बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ वर्ल्ड नॉलेज। डियर स्टूडेंट, मैथ वर्ल्ड नॉलेज आज आपके सामने 8th क्लास मैथ यूनिक नोट्स यूनिक पब्लिशर्स की ये बुक है और सफूरा पब्लिशर्स भी इसको पब्लिश करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, परी 9th के अंदर ये पढ़ाई जाती है और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लाहौर की ये बुक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर नंबर 6 और इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 6F। क्वेश्चन नंबर 1 है, सम ऑफ टू नंबर इज 152 एंड देयर डिफरेंस इज 48, फाइंड द नंबर। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सम ऑफ टू नंबर, लेट द नंबर्स, हम फर्ज करते हैं हमारे पास वो नंबर्स जो हैं एक एक्स है और दूसरा वाई है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the given condition, condition number 1 है हमारे पास sum of the roots, यानी sum of numbers x plus y is equal to 152। नेक्स्ट है जी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में वो कहता है एंड देयर डिफरेंस इज, यानी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 48। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ऐड, हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा तो 2x हमारे पास आ जाएगा 200 के। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 100। तो पहली कंडीशन में x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 आई। x हमारे पास नंबर है जो आपने फाइंड करना था। इसी तरह आपने सेकंड नंबर फाइंड करना है y, जबकि x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100 प्लस y इज इक्वल टू 152। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 152 माइनस 100, तो y की वैल्यू आ जाएगी 52। तो डियर स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि आपने उसकी कंडीशंस को फॉलो करना है। कंडीशन है कि सम ऑफ द नंबर इज 152 एंड देयर डिफरेंस इज 48, फाइंड द नंबर। तो नंबर आपने फाइंड करना है। सम, फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ द नंबर x प्लस y इज इक्वल टू 152 एंड देयर डिफरेंस x माइनस y इज इक्वल टू 48। नाउ वेरी सिंपल, 2x इज इक्वल टू 200, वी कैन ऐड देम, x इज इक्वल टू 100। नाउ दिस वैल्यू वी कैन पुट इन इक्वेशन 1 और 2, एनी वन। हियर वी कैन पुट, आई कैन पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो x इज इक्वल टू 100 प्लस y विच इज इक्वल टू 152, y इज इक्वल टू 152 माइनस 100, दिस 100 ट्रांसफर फ्रॉम अनदर साइड, सो y इज इक्वल टू 52। सो आवर द रिक्वायर्ड आंसर इज 152, बिकॉज वन नंबर इज द x एंड अदर नंबर इज द y। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर सेकंड क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ a small rectangular garden is 56 meter. If one side is 4 meter longer than other, find the area of the garden. Today, student, most important question hai. First of all, we can understand the area, perimeter. Dear student, what is a perimeter? Dear student, jab hum baat perimeter ki karte hain, पेरीमीटर को उर्दू में एहाता बोलते हैं।
एहाता, और ये एहाता जो है जब हम बात करते हैं एक स्केयर की तो वो हमारे पास साइड मल्टीप्लाई 4x होता है, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। अगर इसी को हम रेक्टेंगल में चेंज कर दें तो हमारे पास इसका जो पेरीमीटर है 2 × लेंथ + विड्थ इस फॉर्म में आता है। यानी ये हमारे पास इसकी विड्थ है, लेंथ है, और ये हमारे पास इसकी विड्थ है। तो जब पेरीमीटर हम किसी रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हमारे पास उसका पेरीमीटर पी जो है x + y × 2, या हम दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं 2x + 2y। तो डियर स्टूडेंट, हमें पेरीमीटर का पता चल गया। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगुलर गार्डन। ये हमारे पास एक गार्डन है, ये हमारे पास एक गार्डन है। तो डियर स्टूडेंट, इस गार्डन का जो पेरीमीटर है, यानी ये जो एहाता मुकम्मल है, ये दिया हुआ है। ये पेरीमीटर पी उसने दे दिया है, कितना है 56 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ऐसा गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, जिस गार्डन का आपने पेरीमीटर गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना है, जबकि उसने कोई साइड नहीं दी हुई, ना लेंथ दी हुई है ना विड्थ दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, तो हमने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर ही उसकी कुछ कंडीशंस दी होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ पहुंच जाएंगे। हमारा जो मेन मकसद है, हमें अंडरस्टैंड करना है हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ स्मॉल रेक्टेंगुलर गार्डन इज 56 मीटर इज पेरीमीटर, सो पेरीमीटर पी विच इज इक्वल टू 56 मीटर। आई कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड द पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू पी इंटू 2 × लेंथ + विड्थ। नाउ फर्स्ट, इफ वन साइड इज 4 मीटर लॉन्गर देन द अदर, इट मीन्स दैट हेयर इट्स विड्थ विच इज इक्वल टू एक्स एंड इट्स लेंथ विच इज इक्वल टू x + 4 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। नाउ with this value we can put in this perimeter, because perimeter is given 56 is equal to 2 × length is x + 4 and width is x. Now this 2 divide with 56, so the answer is 28 is equal to x + 4 + x। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x और इधर आ जाएगा 24। ये 2 इस पे डिवाइड हो गया तो 12। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास उसकी जो विड्थ है वो हमें हासिल हो गई, विड्थ हमारे पास आ गई x विच इज इक्वल टू 12। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो हमारे पास है x + 4, यानी 12 + 4 विच इज इक्वल टू 16। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास उसकी लेंथ भी आ गई है, विड्थ भी आ गई है। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो बड़ी आसानी के साथ हम इसका एरिया जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो इसका एरिया है वो हम निकालेंगे 12 × 16, बिकॉज विड्थ इज द 12 एंड लेंथ इज द 16। तो यहाँ से इसको जब मैंने आपको इसमें मल्टीप्लाई किया तो 192 मीटर² जो है वो इसका एरिया जो है वो प्रॉपर हमने फाइंड कर लिया। बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके पेरीमीटर को देखा, पेरीमीटर को किस तरह से फाइंड करते हैं, पेरीमीटर की बेसिक्स क्या होती हैं, पेरीमीटर्स की बेसिक्स, उर्दू में पेरीमीटर को इहाता बोलते हैं, किसी स्केयर का पेरीमीटर होता है हमारे पास 4x और रेक्टेंगल का है हमारे पास 2 × लेंथ + विड्थ, यानी 2x + 2y। अब ये जब हमने फार्मूला निकाल लिया तो इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको इस इंपॉर्टेंट लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।